जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज एट होम में। तो हमारी एक सीरीज चल रही थी 1006 क्वेश्चन की, और उसी में हम इंडियन हिस्ट्री को कवर कर रहे थे, और उसी का ये पार्ट थर्ड है। और इससे पहले हमने पार्ट वन और पार्ट सेकंड इसका कवर कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और देखिए। तो चलिए आज का पार्ट थर्ड शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, मतलब कि वीडियो का 101वां क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है कि सिखों के 10वें व अंतिम गुरु कौन थे। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु कौन थे, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, गुरु गोविंद सिंह जी थे। ठीक है, और सिख धर्म के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सिख धर्म की स्थापना जो थी, नींव रखी थी, वो गुरु नानक जी ने रखी थी। ठीक है, वो प्रथम गुरु भी कहे जाते हैं इनके। और जो सिखों की धार्मिक ग्रंथ है वो गुरु ग्रंथ साहिब है या फिर आदि ग्रंथ है, दोनों एक ही एक तरह से। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब या फिर आदि ग्रंथ है। ठीक है, और सिख धर्म में टोटल जो थे 10 गुरु थे। ठीक है, 10 गुरु थे। पहले थे गुरु नानक और लास्ट के थे गुरु गोविंद सिंह जी, याद रखना आपसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, वो पटना बिहार में हुआ था। अगला देखते हैं कि भारत में सबसे पहले अपनी मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था, तो सी इसका राइट हो जाएगा शेरशाह सूरी ने रखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिख धर्म का संस्थापक तथा प्रथम गुरु कौन थे। मैंने पहले क्वेश्चन बताया था कि गुरु नानक जी थे। ठीक है, गुरु नानक देव जी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आदि ग्रंथ पुस्तक किससे संबंधित है। ये भी मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि आदि ग्रंथ वही है जो इनका पुस्तक है, गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, तो ये सिख धर्म से संबंधित है। 1577 ईस्वी में अमृतसर की स्थापना किसने की थी। ठीक है, अमृतसर की स्थापना किसने की थी, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, गुरु रामदास जी ने करी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था। गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सी इसमें आपका राइट हो जाएगा तलवंडी, तलवंडी में हुआ था, जो कि ये प्रेजेंट में कहाँ स्थित है, ये पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह की हत्या गुलखान पठार में कहाँ की गई थी, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, नांदेड़ महाराष्ट्र में किया गया था। ठीक है, 1708 में किया गया था इनकी हत्या। ठीक है, और बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, और वहाँ के जो सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस है। अगला देखते हैं कि निम्न में से किसे जाटों के प्लेटो के रूप में जाना जाता है, तो सूरजमल जी को जाना जाता है। ठीक है, जो सूरजमल जी थे वो भरतपुर शहर की भी स्थापना की थी उसने। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, इसका निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, महाराष्ट्र किस शासक में हुआ था, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा चंदेल, चंदेल शासक ने करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है। स्वर्ण मंदिर स्थित है अमृतसर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, तो इसमें डी इसका राइट हो जाएगा वास्को डिगामा। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वास्को डिगामा भारत कब आया था, तो वो आया था 1498 में, वो भारत आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह व मराठों के बीच किस सन में लड़ा गया। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1761 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 अंग्रेजों ने किसके विरुद्ध लड़ी थी, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, नवाब सिराजुद्दौला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक काल के प्रथम यूरोपीय जिन्होंने भारत के प्रथम व्यापार संबंध स्थापित किए थे, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रार्थना समाज के संस्थापक थे, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, केशवा चंद्र सेन थे, इन्होंने स्थापना की थी इसकी 1867 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक जो थे वो विवेकानंद जी थे। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मेंडल एचएस ब्लावत्स्की रूस तथा कर्नल एचएस अल्कॉट सेन अधिकारी इंग्लैंड ने 1875 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी, तो वह न्यूयॉर्क में की थी। देखते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम क्या था, पवन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम टेलीग्राफ सुविधा 1854 में डल होजी ने कलकत्ता से किसके मध्य शुरू की थी। कलकत्ता से आगरा के मध्य शुरू की थी उन्होंने। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 121वां है, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, ए ओ ह्यूम ने की थी। ए ओ ह्यूम द्वारा 1885 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 में, ये बताया मैंने।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो वह हुआ था मुंबई में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष थे, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, भूपेंद्र चंद्र बनर्जी जी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, जॉर्ज यूल थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? इसमें आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 में हुई थी। ठीक है, 30 दिसंबर 1906 को की गई थी। अगला देखते हैं कि कांग्रेस का प्रथम महासचिव कौन था? कांग्रेस का प्रथम महासचिव कौन था? तो ए ओ ह्यूम थे। अगला देखते हैं कि 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो बेगम हजरत में, हजरत महल के नेतृत्व में आगे बढ़ा था। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ठीक है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? 1858 के बाद गवर्नर जनरल का पद वायसराय में बदल गया था। ठीक है, याद रखना आप इसे। भारत का प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन जी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था? अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था? तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना की, मतलब की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चपाती एवं कमल का संबंध किससे है? चपाती एवं कमल का संबंध है 1857 के विद्रोह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। ठीक है, और महात्मा गांधी ने नारा दिया था, हे राम का करो या मरो का। अगला देखते हैं कि बाल लाल बाल पाल के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, तो इन तीनों को जाना जाता है। ठीक है, बाल लाल या पाल, ठीक है, इन तीनों को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि असहयोग आंदोलन 1922 ईस्वी में स्थगित करने का कारण क्या था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, चोरा चोरी का हत्याकांड। ठीक है, इसमें किया गया था, लोगों ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया था। ठीक है, जो कि गांधी जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसका विरोध करते समय लाल लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी या फिर अपनी उन्होंने जान दे दी थी? साइमन कमीशन का विरोध करते हुए। साइमन कमीशन भारत में 1927 में आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस या फिर स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, 26 जनवरी 1930 को। यही बताता हूँ मैं क्यों। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू जी ने लाहौर में तिरंगा फहराया था। ठीक है, कहाँ फहराया था? रवि नदी के पास तिरंगा फहराया था। ठीक है, इसके बाद 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ठीक है, याद रखना पे, और इसी कारण 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन कि निम्न में से कौन विशेष रूप से सामाजिक विकास कार्यों से जुड़े हैं? ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, विनोबा भावे जी जुड़े हैं। ठीक है, अगला देखते हैं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस क्षेत्र से जुड़े हैं? ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो ये विधवा विवाह से जुड़े हुए हैं। देखते हैं कि भूटान आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो आंध्र प्रदेश में हुई थी। ठीक है, आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो हैदराबाद है, और जहाँ के जो सीएम है वो कौन है? नारा चंद्र बाबू नायडू जी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में कहाँ पर हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था, ये लंदन, लंदन में हुआ था। ठीक है, याद रखना आप इसे। और दूसरा कहाँ हुआ था? जो दूसरा हुआ था वो भी लंदन में हुआ था 1931 में, और तीसरा 1932 में हुआ था। ठीक है, और भीमराव अंबेडकर जी ने ये तीनों सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, भीमराव अंबेडकर ने तीनों सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बांटो ऐब राजकुरु की नीति किसने अपनाई थी? बांटो ऐब राजकुरु की नीति किसने अपनाई थी? तो लॉर्ड मिंटो ने इस नीति को अपनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड विलियम बैंटिंग जी ने की थी। क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के लेबर पार्टी श्रमिक दल की सरकार थी, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे वहां के? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्लीमेंट एटली जी थे। ठीक है, अगला देखते हैं कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासन था? तो वह मैसूर का था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान
सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में कहाँ की गई थी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, दिल्ली में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केवल कांग्रेस के एक अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी ने 1924 में अध्यक्षता की थी, ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, बेलगांव। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत गवर्नर जनरल कौन था? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड इरविन जी थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना निम्न में से कहाँ पर की थी? तो सी इसका राइट हो जाएगा, मुंबई में की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राजविलय नीति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू की गई थी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, डलहौजी के द्वारा लागू की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत को ब्रिटेन की और संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, दादा भाई नौरोजी जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बंगाल की एसोसिएशन सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, सर विलियम जेम्स। अगला क्वेश्चन है कि किस किसके मुख्य प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सिपाही विद्रोह निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था मेरठ छावनी हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, इसमें से तीन सही है एक गलत है, ठीक है, तो देखते हैं कौन सा इसमें सही नहीं है, ठीक है। तो सहायक संधि किसने लागू की थी? लॉर्ड बैलाजली ने, ठीक है, तो ये तो राइट है, ठीक है। और राजविलय की नीति लॉर्ड डलहौजी ने, ये भी राइट है, ठीक है। इसका डी देखते हैं, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन, ये भी ठीक है, 1905 में था। जो इसका सी है ये गलत है, ठीक है। जो स्थानिक प्रेस एक्ट है ये लिटन द्वारा स्थापित, मतलब लिटन द्वारा किया गया था, ठीक है, 1878 में, 1878 में लिटन द्वारा किया गया था, ठीक है। और यहाँ पर लॉर्ड रिपन गलत है यहाँ पर, ठीक है, तो इसका सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता कौन थे? लाला हरदयाल सिंह थे, लाला हरदयाल जी थे, ठीक है, तो बी इसका आपका राइट हो जाएगा। और गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में, ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी। और अगला क्वेश्चन है, सन 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एनी बेसेंट तथा लोकमान्य तिलक द्वारा चलाए गए आंदोलन का क्या नाम था? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, होम रूल। अगला देखते हैं कि 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो ये अमृतसर में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली लॉर्ड हॉर्डिंग द्वारा कब स्थानांतरित कर दी गई? तो इसका आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1912 में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की किस वर्ष शुरू किया था? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1920 में, ठीक है। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च कब शुरू किया था? तो 12 मार्च 1930 को ये शुरू किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? तो अहमदाबाद से शुरू की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महाराष्ट्र में गणेश उत्सव को किसने शुरू किया था? महाराष्ट्र में गणेश उत्सव किसने शुरू किया था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, बाल गंगाधर तिलक जी ने शुरू किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वायसराय भारत में किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ब्रिटिश सिंहासन का, ठीक है। अगला देखते हैं कि किस कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी 1930 में दांडी मार्च किया था? तो नमक कानून था वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को बापू की उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। अगला देखते हैं कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? महात्मा की उपाधि दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी थी, ठीक है। अगला देखते हैं कि कस्तूरबा गांधी की मृत्यु किस स्थान पर हुई? कस्तूरबा गांधी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, अलका महल पूना में हुआ था, ठीक है। काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। अगला देखते हैं कि कांग्रेस का त्याग करने के पश्चात 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पार्टी की स्थापना की, तो उसका नाम क्या था? फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की पार्टी की स्थापना उन्होंने की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की सीधी मांग मुस्लिम लीग के अधिवेशन 1940 में रखी, ये कहाँ आयोजित किया था? ठीक है, तो ये आपका ए इसका राइट हो जाएगा, लाहौर में किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज ने भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध लड़ा था? ठीक है, किसके युद्ध किया? तो इसका आपका राइट हो जाएगा डी,
ग्रेट ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महात्मा गांधी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। ठीक है, महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी 1948 में दिल्ली में हुई थी। ठीक है, नथुराम गोडसे के द्वारा की गई थी, और 30 जनवरी को ये शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था इसका आपका मोहम्मद इकबाल ने दिया था। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था ये आपका 1942 में, डी इसका राइट हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है। सियाचिन है। ठीक है, शेरे पंजाब किसे कहा जाता है। शेरे पंजाब कहा जाता है लाला लाजपत राय को। अगला देखते हैं कि खिलाफत आंदोलन को किससे जोड़कर देखा जाता है। खिलाफत आंदोलन को किससे जोड़कर देखा जाता है, हिंदू मुस्लिम की एकता को, एकता से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दीन बंधु किसे कहा गया है। ठीक है, दीन बंधु किसे कहा गया है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, सी आर दास जी को कहा गया है। ठीक है, चोल साम्राज्य का अंत किसने किया था, तो इसमें आपका डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई। तो बताता हूँ मैं इसका राइट आंसर क्या होगा, कि चोल साम्राज्य का अंत होयसन एव यादव वंश के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, शुरुआत इन्हीं से हुई थी। इनके बाद क्या हुआ, चोल सम्राट एक के बाद एक लड़ाई हारते गए और इनका धीरे धीरे पतन होता गया। ठीक है, मेन कारण यही माना जाता है कि होयसन या फिर यादव वंश के युद्ध के कारण इनका हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी सी आर दास व मोती नेहरू द्वारा का गठन कब हुआ था। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था। आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था सी, मतलब कि 1943 में हुआ था। ठीक है, और नीचे इसमें नोट भी दे रखा है, इंपॉर्टेंट है कि आजाद हिंद फौज का गठन कैप्टन मोहन सिंह द्वारा किया गया था। ठीक है, सिंगापुर में 1942 में किया गया था, परंतु परंतु ठीक है, परंतु सुभाष चंद्र बोस ने इसका 1943 में अपने अधिकार में लेकर पुनः गठन किया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गुरुदेव की उपाधि किससे संबंधित है। गुरुदेव की उपाधि किससे संबंधित है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। उम्मीद है आपको ये सभी क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और ये हमारा इंडियन हिस्ट्री का लास्ट पार्ट था, इसके बाद हम वर्ल्ड हिस्ट्री को कवर करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।